प्रिय छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे ही चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5P, और इसी के साथ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि पूरा अवकलन यानी अवकलज और सत्ता क्या हो जाएगा दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चैनल से जुड़े हैं दोस्तों तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करे कि अच्छे तरीके से पढ़े और आप भी बढ़िया तरीके से पढ़े। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर आप पीछे का प्रश्नावली नहीं देखे हैं तो क्या कीजिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा क्लास 12 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं पूरा पीछे का। तो चलिए दोस्तों हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 1। देखिए ये ऑप्शनल है हम लोग का 5P 5O भी ऑप्शनल था हम लोग का दोस्तों, यानी बहुविकल्पी था। देखिए इसे हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो हल करेंगे तो क्या हम लोग लिख सकते हैं बोलिए, यहाँ से fx को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम कि x² - x और बटे में x² - x, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि 1 के बराबर ही होगा हम लोग का, क्योंकि मान में से इसे निकालेंगे तो वही वैल्यू निकलेगा और नीचे से नीचे कट जाएगा दोस्तों तो 1 के बराबर ही होगा हम लोग का। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है और 1 के भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान क्या है हम लोग का या तो 0 से छोटा है या तो क्या है दोस्तों हम लोग का कि एक्स का मान हम लोग का 1 से बड़ा है, ये कंडीशन हो सकती है हम लोग का। अब देखिए बीच में 1 है दोस्तों, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं -x² - x, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग x² - x, इतना हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि भाग देंगे तो -1 ही आ जाएगा दोस्तों हम लोग का। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, तो 1 ही आएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो इसका कंडीशन हो जाएगा हम लोग का ये किस कितना आएगा हम लोग का -1 आएगा। अब देखिए -1 आएगा, इसको काटेंगे हल करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा हम लोग का -1। ये इसका कंडीशन क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि 0 से x का मान बड़ा होगा और 1 से क्या होगा दोस्तों हम लोग का छोटा होगा। अब देखिए अगला फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि ये दोनों हम लोग वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 प्लस में निकलेगा माड में, ये माड में है दोस्तों तो 1 प्लस में वैल्यू निकलेगा, तो प्लस में निकलेगा तो दोस्तों उसे काटेंगे तो 1 होगा, और इसी को 1 वैल्यू माड में से जब निकलता है वैल्यू, दो वैल्यू निकलता है, 1 प्लस में निकलता है 1 माइनस में निकलता है, तो माइनस में निकालेंगे दोस्तों तो -1 होगा। और इस तरह से कंडीशन इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग को बढ़ाना चाहिए था इस तरह से। अब देखिए 1 है दोस्तों, कितने पर है 1 = 0 पर है, -1 है दोस्तों कितना 1 = 1 पर है, ये हम लोग का सवाल अब बन गया। अब बन गया दोस्तों तो इसे क्या करेंगे, अब हल करेंगे हम लोग। बस देखिए हल करने जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। माड में से जब भी वैल्यू निकलती है तो दो वैल्यू निकलती है, 1 प्लस में निकलेगी, प्लस में निकलेगी तो दोस्तों कट कर हम लोग का 1 + 1 ही आएगा वैल्यू उसका। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने पर, पहले 1 = 0 पर चेक कर रहे हैं, 1 = 0 पर क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि फंक्शन का वैल्यू, ये इक्वलिटी यहाँ पर है हम लोग का दोस्तों पूरा 1 = 0 पर, तो फंक्शन का वैल्यू कितना होगा हम लोग का, fx का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का, तो 1 होगा। अगर यहाँ पर 0 रख देंगे तो f0 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों हम लोग का, 1 ही होगा। यहाँ से बोलिए अब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट 0 पर चेक कर रहे हैं 1 = 0 पर, तो क्या लिखेंगे x → 0 माइनस लिखेंगे, और फंक्शन का वैल्यू देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कितना है दोस्तों हम लोग का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब x का वैल्यू क्या है हम लोग का कि 1 से बढ़ रहा है हम लोग का, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या होगा हम लोग का, +1 होगा। और राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि x का वैल्यू जब हम लोग का बढ़ रहा हो, यानी 0 से बढ़ रहा है, देखिए यहाँ 0 से छोटा हो रहा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा ये, और 0 से जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा दोस्तों हम लोग का। अब लिख देंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो x → 0 प्लस हो जाएगा, और फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया दोस्तों हम लोग का, -1 आया है, इसी को दो बार हल किए थे तो -1 आ गया है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है दोस्तों हम लोग का इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट,
ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो दोस्तों तो लिख देंगे कि x बराबर जीरो पर सतत नहीं है, x बराबर जीरो पर सतत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे x बराबर वन पर अब सतत दिखाएंगे। देखिए x बराबर वन पर अब सतत दिखाएंगे दोस्तों, हम लोग जीरो पर तो चेक कर लिए, x बराबर वन पर अब हम लोग चेक करेंगे। x बराबर वन पर देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए x बराबर वन पर दोस्तों चेक करेंगे तो लिखेंगे फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, एक पर कितना हम लोग x बराबर वन पर फंक्शन का वैल्यू माइनस एक है, माइनस एक लिख देंगे, एक सीधे पर वन रख देंगे, यानी ये फोन का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस वन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या का नियम क्या होता है दोस्तों, लिमिट कितने पर चेक करें वन पर, तो वन माइनस लिख देंगे और फंक्शन का वैल्यू, देखिए वन माइनस लिख दिए और फंक्शन का वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कितना है दोस्तों हम लोग का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू हम लोग का निकालना पड़ेगा। चलिए राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट देखिए लिमिट कितना दोस्तों, एक्स टेंस टू वन प्लस और फंक्शन का वैल्यू, देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है दोस्तों हम लोग का, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा हम लोग का। अब देखिए दोस्तों राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब बढ़ रहा हो तो दोस्तों हम लोग का वन से जब बढ़ रहा है तो ये राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा, ये वाला फंक्शन हम लोग का, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों वन है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू वन से छोटा हो रहा है, तो यहाँ वन से छोटा हो रहा है, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा दोस्तों, ये हम लोग का इक्वल मिल ही नहीं रहा है, फंक्शन का वैल्यू इक्वल मिल ही नहीं रहा है। लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का वैल्यू और क्या दोस्तों हम लोग राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या आ रहा है हम लोग का कि बराबर नहीं आ रहा है, जब एक भी बराबर नहीं आता है या दोनों बराबर नहीं आता है हम लोग का, तो दोस्तों क्या लिखते हैं, एक भी बराबर नहीं आता है, तीनों बराबर नहीं आता है, तो लिख देंगे कि एक्स बराबर वन पर क्या है दोस्तों हम लोग का कि असतत है, सतत नहीं है, असतत है। जब दोनों पर असतत हो गया दोस्तों हम लोग का, एक्स बराबर जीरो पर भी सतत नहीं है, तो क्या कर देंगे हम लोग का, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऑप्शन हम लोग का दोस्तों सही हो जाएगा डी। क्यों सही हो जाएगा दोस्तों डी हम लोग का, तो देखिए एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर वन के अतिरिक्त एक्स के सभी मानों के लिए सतत ये हम लोग का होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का इसमें का दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हम लोग का, इतना सारा मान दिया है, अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग का कि इक्वल जो होंगे, इक्वल ये हम लोग का यहाँ दिख रहा है, यानी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का ए प्लस बी होगा, यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, हल करेंगे दोस्तों तो क्या होगा हम लोग का फंक्शन का वैल्यू ए प्लस बी होगा। अब देखिए दोस्तों किस पर चेक करना है, एक्स बराबर चार पर, यानी एक्स बराबर चार पर चेक करना है दोस्तों, तो क्या लिख देंगे हम लोग एफ चार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए प्लस बी हो जाएगा, यानी फंक्शन का वैल्यू कितना है हम लोग का ए प्लस बी ही है। अब यहाँ से आगे हल करेंगे दोस्तों हम लोग, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे दोस्तों चार माइनस और फंक्शन का वैल्यू, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या होगा हम लोग का, जब एक्स का वैल्यू हम लोग का घट रहा हो, एक्स का वैल्यू यहाँ पर घट रहा है दोस्तों हम लोग का, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा, जब एक्स का वैल्यू चार से बड़ा हो रहा होगा तो वो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा, ये हम लोग का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू वो है फंक्शन का वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पहले इसको थोड़ा सा और हम लोग बना लेते हैं, एच टेंस टू जीरो कर लेंगे और क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर क्या रखते हैं दोस्तों चार माइनस एच रखते हैं, देखिए इसमें रखेंगे एक्स की जगह पर चार माइनस एच, चार माइनस एच तो वैल्यू कितना निकलेगा दोस्तों हम लोग का, वैल्यू हम लोग का आएगा डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग हल करके थोड़ा सा हल करेंगे तो आपका आएगा माइनस वन प्लस ए आएगा। देखिए इसी तरह राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा दोस्तों चार प्लस और फंक्शन का वैल्यू, यहाँ से बोलिए लिमिट इसको हटा देंगे एच से टर्मिनेट कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का चार प्लस एच हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का ये होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग रखेंगे जहाँ जहाँ एक से वहाँ दोस्तों क्या रखेंगे चार प्लस एच रखेंगे, लिमिट हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाला हूँ आप लोग देख लीजिएगा,
इसका वैल्यू आएगा दोस्तों हम लोग का राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा 1+b आएगा। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 4 पर जब सतत है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे हम लोग इक्वल इक्वल दिखा देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे कि x बराबर जब 4 पर सतत है दोस्तों तो हम लोग लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा हम लोग का इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वल दिखा दीजिए, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या होता है दोस्तों हम लोग का इक्वल होता है जब सतत होता है। तो ये नियम है हम लोग का, या तो दो ही दिखा सकते हैं या तो तीनों दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। देखिए तीनों दिखाएंगे, दो क्यों दिखाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बराबर नहीं आ रहा है तो असतत हो जाएगा, तीनों बराबर होता है तभी हम लोग का सतत होता है। यहाँ से मान रखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है दोस्तों हम लोग का, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है -1+a, राइट हैंड लिमिट का मान कितना है दोस्तों 1+b इक्वल टू, fx का वैल्यू कितना है दोस्तों, फंक्शन का वैल्यू कितना है हम लोग का a+b आया है। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि दो फंक्शन लेकर चलेंगे, अगर मान लीजिए इसको हम लोग ले रहे हैं दोस्तों तो कितना होगा हम लोग का 1+b इक्वल टू a+b, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर क्या मिलेगा दोस्तों 1 हम लोग का, ए बराबर 1 मिलेगा तो आगे का दोनों फंक्शन ले लेंगे हम लोग -1+a 1+b, ए बराबर 1 रख देंगे -1+1 इक्वल टू 1+b, -1 से +1 कट जाएगा, 1 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का -1 हो जाएगा, इसको या करके इधर कर लेंगे, b बराबर कितना आ गया दोस्तों -1, a का मान पहले 1 और b का मान बाद में -1 तो 1-1 डी नंबर हम लोग का आया दोस्तों, तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का कि सही हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग का है कि एक्स के किस मान के लिए हम लोग का ये असतत है, मतलब एक्स के कौन सा मान होगा दोस्तों हम लोग का कि ये असतत होगा। देखिए या तो 6 होगा या तो 2 होगा या तो 6-2 दोनों होगा या तो हम लोग का 6-2 0 हो सकता है। देखिए हल करेंगे, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्स बराबर 2 है हम लोग का, तो एक्स बराबर 2 पर हम लोग का फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह हम लोग का 2 के नीचे दिया है। तो मान लीजिए अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स बराबर 2 पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू ऊपर वाला होगा, 3x+1 होगा दोस्तों हम लोग का। फंक्शन का मान निकाल लेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का नियम क्या होता है दोस्तों हम लोग का, लिमिट एक्स टेंस टू 2- और फंक्शन का वैल्यू। देखिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दोस्तों तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू हम लोग का एक्स का वैल्यू क्या होगा हो रहा होगा दोस्तों हम लोग का कि जब छोटा हो रहा होगा, यानी कौन सा होगा दोस्तों हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू 2 से छोटा हो रहा होगा। तो एक्स का वैल्यू तो हम लोग का पहले में ही 2 से छोटा हो रहा है दोस्तों, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग का फंक्शन यही होगा हम लोग का 3x कितना होगा दोस्तों हम लोग का 3x+1 होगा हम लोग का। हम लोग एक्स की जगह पर क्या रख देते हैं दोस्तों 2-s रख देते हैं, अगर ये फंक्शन का वैल्यू होगा दोस्तों हम लोग का 3x+1 तो लिमिट एच टेंस टू 0 3, एक्स की जगह पर हम लोग का 2-h रखना है +1, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ये होगा। देखिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो बोलिए अगर लिमिट हटाएंगे तो 0 2 में से 0 2 2 3 6 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 7। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू हम लोग का 2 से बढ़ रहा हो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2+ और फंक्शन का वैल्यू, यहाँ से बोलिए दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 2 से बढ़ रहा हो, 2 से बढ़ेगा दोस्तों तो हम लोग का ये है 2 से बढ़ रहा है एक्स का वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू हम लोग का ये होगा। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम लोग मान रख कर चेक करेंगे, तो लिमिट यस टेंस टू क्या कर देंगे दोस्तों 0, फंक्शन में 2+s रख देंगे एक्स की जगह पर, और फंक्शन में हम लोग जहाँ जहाँ दोस्तों हम लोग का एक्स है वहाँ क्या रख देंगे हम लोग 4। पहले तो लिमिट लिखेंगे, लिमिट यच टेंस टू 0 बोलिए 4 एक्स की जगह पर हम लोग का 2+h और -1, जब लिमिट हटाएंगे दोस्तों तेज का मान 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 × 4 8 8 में से घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। यहाँ तो सारा वैल्यू हम लोग का दोस्तों सेम ही सेम आ रहा है, यानी x बराबर 2 पर क्या है दोस्तों हम लोग का कि सतत है, लिख देंगे कि
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या दोस्तों हम लोग का फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, सब सेम सेम आ रहा है। तो एक से बराबर दो पर क्या है दोस्तों हम लोग का सतत है, एक से बराबर दो पर सतत है, एक से बराबर दो पर सतत लिख देंगे दोस्तों। अब किस पर चेक करेंगे दोस्तों हम लोग, तो एक से बराबर छः पर क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि सतत आ रहा है कि असतत आ रहा है। देखिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, x बराबर छः पर सतत दिखाएंगे तो छः का वैल्यू हम लोग, x का वैल्यू क्या है दोस्तों हम लोग का बराबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है छः के, जब हम लोग का छः का कंडीशन चल रहा है तो छः का कंडीशन इसमें चल रहा है, तो x का वैल्यू हम लोग का दोस्तों इसके बराबर नहीं दिख रहा है, साथ में इसके यहाँ पर दिख रहा है, यानी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का, तो फंक्शन का वैल्यू होगा दोस्तों हम लोग का बीच वाला, यानी फोर एक्स माइनस वन होगा फंक्शन का वैल्यू। इसमें एक्स बराबर छः रख देंगे, देखिए एक्स की जगह पर छः, चार गुड़ते छः माइनस वन, छः चौके चौबीस में से घटेगा दोस्तों कितना हो जाएगा पच्चीस। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दोस्तों तो कितना होगा हम लोग का, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कितना होगा दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू छः माइनस और फंक्शन का वैल्यू, यहाँ से बोलिए दोस्तों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एक्स की जगह पर दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं छः माइनस एच लिखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू कौन सा होगा दोस्तों, जब एक्स का वैल्यू हम लोग का छः से घट रहा हो, तो छः से हम लोग का घट रहा है दोस्तों इसमें, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का, कि यही होगा कौन सा होगा हम लोग का, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू हम लोग का दोस्तों हम लोग का यही होगा कौन, चार एक्स माइनस वन होगा। यहाँ पर रख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू कितना दोस्तों हम लोग का जीरो, यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, तो एक्स की जगह पर हम लोग रखना है छः माइनस एच और माइनस वन, जब लिमिट हटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा छः चौके चौबीस में से घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों पच्चीस। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का नियम क्या होता है, लिमिट जब छः पे चेक करें तो छः प्लस लिख देंगे दोस्तों और कितना हो जाएगा हम लोग का फंक्शन का वैल्यू, यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा दोस्तों, लिमिट एच टेंस टू जीरो और फंक्शन में छः प्लस एच रखेंगे दोस्तों लोग। अब राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू हम लोग का छः से बढ़ रहा हो तो इसमें बढ़ रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू ये होगा हम लोग का, जब ये होगा दोस्तों तो इसमें क्या करेंगे हम लोग रखेंगे, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू कितना है दोस्तों फाइव एक्स प्लस टू है, एक्स की जगह पर हम लोग का फाइव एक्स, एक्स की जगह पर छः प्लस एच रख देंगे और प्लस टू। देखिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि लिमिट हटाएंगे तो इसका मान जीरो, छः में जीरो छः ही हो, छः पचास तीस दो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बत्तीस, हम लोग का पच्चीस और बत्तीस सेम सेम नहीं आ रहा है दोस्तों, लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है दोस्तों हम लोग का कि सेम सेम नहीं आ रहा है, जब एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है दोस्तों हम लोग का, यानी इक्वल नहीं होता है, तो क्या लिख देंगे कि एक्स बराबर छः पर सतत नहीं है, यानी असतत सतत नहीं है, यानी क्या है दोस्तों हम लोग का असतत है, यानी असतत है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोग का कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न क्या हुआ दोस्तों हम लोग का कि हल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोग का, तो कह रहा है कि एक्स बराबर जीरो पर सतत है, तो एफ एक्स का मान एक्स बराबर जीरो पर है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि एक्स बराबर जीरो पर दिखाएंगे कि सतत है कि असतत है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस और फंक्शन का वैल्यू, देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू कितना है दोस्तों, एक्स साइन वन बाई एक्स है, तो एक्स साइन वन बाई एक्स साइन वन बाई एक्स है दोस्तों, तो जीरो माइनस एच रखेंगे हम लोग, जीरो माइनस एच एक्स की जगह पर हम लोग जीरो माइनस एच, यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा हम लोग का, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच होगा साइन वन बाई माइनस एच, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, यहाँ से हल करेंगे तो हम लोग, तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे कि इसका मान क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि नहीं निकल पाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों कि इसका मान हम लोग का नहीं निकल पाएगा, इसका हम लोग जानते हैं कि अगर एच का वैल्यू जीरो रखेंगे दोस्तों तो जीरो, यहाँ भी वन बाई जीरो हो जाएगा, तो जीरो गुड़ते क्या लिख देंगे दोस्तों, एक अपरिमित मान, एक अपरिमित मान, हम अपरिमित मतलब दोस्तों हम लोग का इन्फाइनाइट हो जाएगा यहाँ से, अपरिमित मान
जीरो का गुणा कभी भी करते दोस्तों किसी भी संख्या में तो क्या होता है, हम लोग का जीरो होता है। यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ये निकल गया, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो प्लस, और फंक्शन का वैल्यू इसमें क्या रखेंगे दोस्तों हम लोग, लिमिट x टेंस टू जीरो, फंक्शन में क्या रखते हैं दोस्तों जीरो प्लस h। यहाँ पर नहीं लिखे थे, डायरेक्ट रख दिए थे, तो इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, लिमिट x टेंस टू जीरो, फंक्शन हम लोग का दोस्तों एक ही है, तो इसमें रख देंगे x की जगह पर जीरो प्लस h, और साइन वन अपान जीरो प्लस h। क्या होगा दोस्तों अगर इसमें भी मान रखेंगे हम लोग, तो क्या होगा दोस्तों कि अगर लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो ही होगा दोस्तों, और यहाँ से इनफिनाइट हो जाएगा हम लोग का, यानी एक अपरिमित मान, यहाँ पर लिख देंगे एक अपरिमित मान। जीरो में किसी भी संख्या गुणा कराते हैं दोस्तों क्या होता है हम लोग का, जीरो होता है। यानी इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, जीरो आ जाएगा। जब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जीरो आ गया दोस्तों, तो फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे, फंक्शन का वैल्यू चेक नहीं किए हैं, तो एफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो गुड़ते कितना हो जाएगा हम लोग का, जीरो गुड़ते साइन वन बाई जीरो, इसका भी मान कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, जीरो ही आएगा। सारा फंक्शन जीरो आ गया, तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है दोस्तों हम लोग का, कि तीनों जीरो ही जीरो आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है दोस्तों, तो लिख देंगे एक्स बराबर जीरो पर सतत है। इसमें ऑप्शन नहीं लिखे थे दोस्तों, तो ऑप्शन में हम लोग का दिया है, पहला ऑप्शन दिया हम लोग का दोस्तों वन दिया है, दूसरा ऑप्शन जीरो दिया है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों हम लोग का माइनस वन दिया है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों एबव नान ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, देखिए तो जीरो वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या कहा है कि x बराबर जीरो पर सतत है, तो क्या होगा दोस्तों हम लोग का वैल्यू इसका, यानी x बराबर जीरो पर सतत है तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का, यही फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, लिख देंगे x बराबर जीरो पर सतत है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का, फंक्शन का वैल्यू होगा हम लोग का देखिए लिमिट, हम लोग का यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या होगा दोस्तों का, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू लिमिट हटा रहे हैं, एक्स का वैल्यू जीरो रख रहे हैं, तो क्या वैल्यू निकलेगा हम लोग का, जीरो बटा जीरो निकलेगा, जबकि हम लोग का सवाल इस तरह से क्या होगा जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जीरो बटा जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कि हम लोग एक बटा तीन है दोस्तों हम लोग का, ऊपर कितना हम लोग का एक बटा तीन है, यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा, इसका एक बार क्या करेंगे दोस्तों कि इसका एक बार हम लोग अवकलन कर देंगे, ऊपर का भी अवकलन कर देंगे और नीचे का भी। देखिए अब एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो दोस्तों वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का, दो निकलेगा। अब दो कहाँ है दोस्तों हम लोग का, तो ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, पहला सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर छठवा क्या है, तो देखिए यदि एफ एक्स बराबर दिया है माड में एक्स प्लस माड में एक्स माइनस वन है, तो एक्स बराबर जीरो पर तथा एक्स बराबर वन पर सतत है, ये हम लोग को ये ऑप्शन दिया है दोस्तों। देखिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि देखिए इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों हम लोग का, एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर वन पर क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि सतत होगा। जब सतत होगा दोस्तों हम लोग का, तो ऑप्शन कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा, एक्स बराबर वन और क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा हम लोग का कि सतत होगा, ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर सातवां, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, लेमडा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि इक्वल्टी कहाँ दिया हम लोग का, तो इक्वल्टी दोस्तों हम लोग का एक्स बराबर जीरो पर क्या करना है, सतत है, तो लेमडा का मान हम लोग क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा दोस्तों हम लोग का, कि फंक्शन का वैल्यू हम लोग का इक्वल्टी ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर भी है दोस्तों और नीचे भी है। क्या करेंगे हम लोग, पहले नीचे वाले पर हल कर रहे हैं, नीचे वाले पर हल करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा हम लोग का, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे
और क्या इसका वैल्यू आएगा दोस्तों, हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेमडा बराबर आएगा -1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का सी सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न हम लोग का दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा और उसे बढ़िया तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्नावली ख़त्म होने वाली है। लगभग में हम लोग पीछे का लिमिट वाला फंक्शन पढ़ चुके हैं, लिमिट और सतत वाला, तो लिमिट वाला सतत वाला और उसी पर क्या होगा दोस्तों हम लोग का कि सवाल होगा ज़्यादातर इसमें काम, तो लिख कर आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन लिख कर भेज दीजिए, आपको 2 या 3 घंटे बाद बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।